तेल है क्या तेल? अरे राहुल यहाँ पर दूध निकालते हैं। हाँ निकल रहा। तू निकाला भैया, तू निकाला हो? देखो हम दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं भैया, दिखा रहे हो? देखो कैसे पकड़े थे। या या पकड़ने का स्टाइल अलग है। बस की नहीं है। बस की बात नहीं है। तू निकाला, निकल रहा, निकल जाएगा। तू निकाला भैया, तू निकाला हो? निकल ये देख, देख निकल रहा है। देख वो तो दिन भर में नहीं है यार, बहुत फास्ट है यार, काफी अच्छा निकल रहा है। आप देख देख लास्ट में रहेगा ना, मेरे को दो, आप पहले निकाल लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बाद में देगी नहीं दूध। तेरे को एक दूध पीना है फ्रेश वाला? हाँ मेरे को पीने का, थोड़ा एक गिलास पिला दो। राहुल अभी फ्रेश दूध पिएगा यहाँ पर भैंस का। मैं निकालूंगा तो रात हो जाएगा, मैं तो सुबह हो जाएगी सारी। वाओ इतना, बस बस भैया, थैंक यू, बाप रे इतना सारा दूध। राहुल फ्रेश दूध पी रहा है एकदम, भैंस का ताजा वाला। या कैसा है? पेट भर गया। देखना पेट खराब ना कर जाए। नहीं रे मतलब पचा पचा, मेरे को डरा दिया अभी। ये तो इतना मैंने पिया, आपने पेट खराब ना हो जाए मेरे? नहीं पेट खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, मैं डर गया। और मारना है तुम्हारा। ले भैया जैसे दबा, भैया जैसे। अरे वो गाय के जैसे तू दबा रहा है। अरे यार आदत नहीं है ना। ए भैया निकल रहा नहीं है। ए भैया तू दूध हिला है, छोड़ दे रहा है। लगता है मेरे को, लगता है कल होएगा ये। नहीं ना लगेगा तो कट जाएगा उस पे। छोड़ दे तेरे बच की नहीं भाई, बच्चा ला हाथ दो भाई। भैया थैंक यू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड अभी मैं आ चुका हूँ छत में राहुल के घर के, क्योंकि कल हम लोग रात को यहीं पे आए थे, यहीं पे हमारा डिनर हुआ था एंड यहीं पे सोए थे। एक्चुअली मुझे ब्रश करना है, मेरे पास ब्रश नहीं है। सो जो ये गाँव में बाकी के लोग करते नीम के लकड़ी से, सो मुझे भी वही दे रहा है राहुल। तो फटाफट वो निकालते एंड उससे ब्रश करेंगे, ट्राई करेंगे कैसे होता है, क्योंकि जो ब्रश है वो मुकेश के घर पे एंड मुकेश का घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। सो इट्स बेटर कि वहाँ पे जाने से अच्छा ये वाला ट्राई करते। तो ये रहा नीम के लकड़ी का ब्रश, ट्राई करते कैसा होता है। अच्छा हाँ हर जगह से हाँ काटिए उसको पूरा अच्छे से चबाइए पहले, तो कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा थोड़ा सा। हर जगह हर जगह से कहाँ? नहीं कहीं से भी, एक जगह से कीजिए। अच्छा जो ऐसा बनेगा फिर रगड़ने का? हाँ। लगेगा तो नहीं ना? नहीं पहले चबा लीजिए, इसी तो कर रहा हूँ, पहले अच्छे से चबा लीजिए। काफी अलग है, तो ये चीज काफी अच्छी है, इससे कीटाणु नहीं लगते एंड बेस्ट है। गांव में काफी लोग ये यूज करते हैं, मैंने देखा था तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत कड़वा लग रहा है बट अच्छा है। बस जो भी लकड़ी आते है वो बस बाहर थूकना है। आज का मेरा नाश्ता तो दो दो जगह पर है। सो अभी फिलहाल मैं आया हूँ धर्मचंद के घर पे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करें, चिवड़ा और दही। सो ये रहा चिवड़ा और दही, चिवड़ा आई मीन ये पोहा का है बट ये गांव के स्टाइल में अलग से बनाते हैं। ये क्या किया है, मतलब कुछ सुखाया है क्या, फ्राई किया है? नहीं ऐसे है, यहाँ पे ऐसे ही मिलता है। मतलब ये रेडीमेड चूड़ा है? नहीं नहीं बनाया अपना, कूटा हुआ है, सिर्फ कूटा है बस। हाँ। मशीन में डाल के, मतलब सुखाया और फिर कूटा। हाँ, ये खाना कैसे है, मतलब ये दही इसमें डालना है? हाँ। और इसको मिक्स करके फिर खाने का? पूरा? पूरा नहीं, पूरा नहीं, सब खाना है बस। हम लोग महासंक्रांति का नाश्ता है बस बस बस, सब तो हम सब मिलके इसी में खा रहे। तो ये चिवड़ा और दही इसे ऐसा डालकर ये मिक्स करके खाते। धर्मचंद के घर पे नाश्ता हो चुका है तो आप चलते राहुल के घर पे, उसके घर पे भी नाश्ता रेडी है। हमारा सेकंड नाश्ता भी रेडी है, सेकंड नाश्ते में है भुर्जी एंड पराठे। तो अभी मैं, राहुल और जय हिंद, जय हिंद जो कि प्रमोद का भाई है, हम तीनों टोटल जा रहे हैं यहाँ ये गाँव के मेन मार्केट में जो कि रसरा है। यहाँ से 17-80 किलोमीटर है। सो राहुल को अपना शॉपिंग करना है, कपड़े लेने हैं, उसी के लिए जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी रेडी है, मुकेश फिलहाल अभी साफ कर रहा है इसे। वैसे तो कल सर्विसिंग होकर आई है
लेकर सिर्फ 5 ही दिन हुआ है, पहला सर्विसिंग हो भी गया। एक्चुअली हमने तो 400 किलोमीटर चलाया था जब जीजा के घर पे गए थे, एंड ऑलरेडी हमें 250 किलोमीटर चला हुआ मिला था। आई मीन जो भाभी के घर वाले हैं उन्होंने थोड़ा बहुत यूज़ किया था। सो पहला सर्विसिंग 500 किलोमीटर में होता है, एंड 500 किलोमीटर पूरा कम्प्लीट हो गया था। तो फाइनली पहला सर्विसिंग भी हो चुका है, अब हम लोग इजीली जा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले जाके अभी राहुल को पिकअप करना है। अभी तो मैं मुकेश के घर पर हूँ, राहुल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया होगा। सो राहुल को पिकअप करेंगे एंड फिर वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट मार्केट के लिए। मार्केट जाने से पहले हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। हम लोग आए गाँव के एकदम फेमस मंदिर के पास, जो कि सती धाम मंदिर है, एंड उसे सती मैया भी कहते हैं। यहाँ का सीन कुछ अलग ही है। यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली लोग पूजा करने आते हैं, बट मेन काम है अगर किसी को एकदम जहरीले से जहरीला सांप भी काटेगा तो यहाँ पर ठीक हो जाता है, उसका जहर पूरा निकल जाता है, एंड यहाँ पर आके ही होता है, यहाँ पर उन्हें रखते हैं। मुझे इतना स्टोरी तो नहीं पता यहाँ का, बट जो भी है थोड़ा बहुत वो राहुल बताएगा। जैसे ना किसी सांप को काट लिया किसी भी सांप ने, तो वो पैसा जो होता है सिक्का कॉइन लेते, 5 बार उसके सर पे घुमाते, और जेब मेरा मतलब उसकी मम्मी की पल्लू बांध के सामने किला का पता लगा के गाड़ी वाड़ी में उसको यहाँ पे लेके आके रख देते। यहाँ पे सामने ना, सामने अंदर नहीं, भारी बाहर बाहर ही रख देते। उसके बाद जो होता है वो अपने आप हो जाता है। अच्छा, आधे घंटे बाद खुद उठ, आधे घंटे में अपने आप ठीक जहर सब निकल जाता है। सो देखिए क्या पावर है ये मंदिर की, ये भगवान की, ये है पूरा वो मंदिर। एंड जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर ही आते हैं, काफ़ी लोग दर्शन करने भी आते हैं, बट मेन यहाँ पर लोग उसी के लिए आते हैं, अगर जिसे सांप काटा है तो वो ठीक हो जाए। कहाँ से भी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ये गांव के नज़दीक से आ सकते हैं। आपको अगर कहीं पे दूर, जैसे कोई भी जगह पे, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो जैसा इसने बताया वैसे आप करके आ सकते हो यहाँ पर। एंड वो जहरीले से जहरीला सांप भी एकदम फेल है इनके सामने, एंड पूरा ठीक हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऐसे ही आए थे, इसके बाद अभी हम लोग मार्केट को जाएंगे। ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, बहुत लंबा है, काफ़ी अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर देखिए पूरा दुकानें लगे बहुत आगे तक है। आई मीन ये पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर आता है। सो ये रहा सती धाम। सिर्फ राहुल का कपड़ा, उसी के साथ हम लोग ने जय हिंद का भी कपड़ा ले लिया एंड बुक कर दिया। आई थिंक सो कल वापस आना पड़ेगा हमें कपड़ा लेने। सो फाइनली कपड़ा पूरा हम लोग ने ले लिया है, एंड अभी हम लोग यहाँ पर गाजर का हलवा खाने के लिए। सो ये रहा गाजर का हलवा, तीनों मिलके इसी में खाएंगे। काफी ज्यादा लेट हो चुका है, आई थिंक सो घर पे जाते जाते पूरा अंधेरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच होम, बट अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है एंड काफी अंधेरा हो चुका है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मुकेश के घर पे, वहाँ पर गीत संगीत कुछ तो हो रहा है, लेडीज लोग कर रहे हैं। आज सिर्फ गीत होगा, वो मैं आपको जाकर बताता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। घर पर आकर खाना भी खा लिया, एंड काफी देर हम लोग आग सेकते बैठे थे। आई मीन ठंडी लग रहा था तो हम लोग आग के पास थे, एंड वेट भी कर रहे थे कि कब कीर्तन स्टार्ट होगा, बट अभी तक कीर्तन स्टार्ट नहीं हुआ। काफ़ी गांव के लोग जो है वो अभी तक आए नहीं, आई थिंक सो काफ़ी लेट होगा। मुझे अभी फिलहाल एडिटिंग एंड अपलोडिंग करना है, तो मैं फटाफट जाके वो कर लेता हूँ एंड सो जाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठाऊँ, मुझे नींद भी आ रही है। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।